पूरी तरीके से एक समुदाय विशेष को संरक्षण दे रहे हैं और हिंदुओं को पूरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है कि बाबा जी की भगवा की सरकार है। हम लोगों की मांग है कि जिस तरीके से अपराधियों ने युवराज सिंह की हत्या की है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं युवराज को न्याय दिलाने के लिए हम लोग हर चुनौती को स्वीकार करेंगे। अगर पुलिस हम पे गोली चलाती तो उनकी गोली भी हम सहर से सीने पे खाने को तैयार हैं। ठीक है, यहाँ के लगातार जिन नेताओं ने इस आंदोलन को विफल करने का प्रयास किया, उनको भी हम कहना चाहते हैं कि आज आपके समाज का बेटा मारा गया है। निश्चित रूप से हो सकता है कि आप दो बार समय दिया गया, कहीं ना कहीं आपको लग रहा हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से प्रशासन हम लोगों को बैकफुट पे लाना चाह रहा है, तो प्रशासन का कहीं ना कहीं ममता जो है इसलिए नहीं है, इसलिए आप मान के चलिए। ठीक है, जरूर जारी रखेंगे, बंद करें। ये लड़ाई केवल क्षत्रिय समाज की नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की लड़ाई हो गई है। इसमें समाज के सभी वर्गों को हम लोगों ने इस बार जो है, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू महासभा के लोग हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, तमाम संगठनों ने अपना अपना इसमें जो है हम लोगों को सहयोग किया है, और तमाम संगठन पूरी तरीके से हम लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो जो भी लोग हम लोगों को सुन पा रहे हैं वो सभी लोग पाली पुलिया पे आए, लाइव सेशन में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, और अपने अपने कानपुर और अपने अपने विचार जो है यहाँ के लिए जो है निकली है पाली चौराहे पे। जय श्री राम, जय भवानी, जय भवानी, जय महाराणा, जय महाराणा, जय भवानी, जय भवानी। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमसे जो टकराओगे चूर चूर हो जाओगे, हमसे जो टकराओगे चूर चूर हो जाओगे। यूपी के हत्यारों को गोली मारो सालों को, यूपी के हत्यारों को गोली मारो सालों को। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमसे जो टकराओगे चूर चूर हो जाओगे। पाली थाना क्षेत्र में 30 मई को एक घटना हुई थी जिसमें एक युवक की हत्या हुई थी। उसमें पुलिस द्वारा सारी कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है और विवेचना चल रही है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए करणी सेना के अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू ने आज आह्वान किया था कि पाली पहुंचना है, जबकि जनपद में 144 धारा लागू है और किसी को भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति को विधि विरुद्ध जमाव के रूप में इकट्ठा नहीं होना है। इसको दृष्टिगत रखते हुए वहां पर फोर्स तैनात की गई है। किसी भी व्यक्ति को शांति भंग की कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। जनपद में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लागू की जाएगी। जो भी विधि विरुद्ध काम करने का प्रयास किया जाएगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जनपद में ऐसे व्यक्तियों को आने से रोक दिया जाएगा जो लोग शांति व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने, जो भी अगर इस तरह का कार्य करेगा तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से अभियोग पंजीकृत होगा और विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।